नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हमारे एजुकेशन चैनल एग्जाम गंगा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपकी पहली क्लास रीजनिंग की स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हम कुछ बातें आपसे बताना चाहते हैं कि रीजनिंग पढ़ने से पहले हमारी पूरी टीम है जो हमारे एग्जाम गंगा पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जिससे आपको बहुत से अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियो मिलेगी और आपसे मैक्सिमम एग्जाम छोटे से लेके हायर क्लास के एग्जाम को भी आप क्रैक करने में पूरी इंपॉर्टेंस मिलेगी। उसमें आपको अदर्स वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखेंगे, एक भी वीडियो स्किप नहीं करते हैं, तो आपको पूरा हेल्पफुल मिलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर एग्जाम से रिलेटेड। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, आज वेन डायग्राम का चैप्टर है हमारा। वेन डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जानना चाहते हैं। जैसे हमारा पहला नाम है वेन डायग्राम। डायग्राम से आपको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें बनाई होगी हमारे डायग्राम से रिलेटेड हो गए। मैक्सिमम चीज़ें हैं कि रीजनिंग ऐसी टॉपिक है, रीजनिंग सबसे आसान टॉपिक है जो फ्री के नंबर देते हैं लोगों को। अगर समझ में आएगा तो फ्री का नंबर, नहीं समझ में आएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलता। तुक्के से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो रीजनिंग इतनी आसान चीज़ें हैं, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि आपको आसानी से नंबर उसको ग्रेन हो जाते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं यहां पे हूं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे रीजनिंग में आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि एग्जाम में यार ये क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा सोचा था इजी टफ लेवल का आएगा, बट यहां पर लग रहा है मुझे देख के कि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का आपको यहां पर फीलिंग होगी। वेन डायग्राम शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो वेन डायग्राम में मेनली दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो टाइप होते हैं। तो टाइप समझने से पहले हम एक दो चीज़ें समझ लेते हैं, डायग्राम कितने टाइप के बनते हैं। ठीक है, चलते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारे वेन डायग्राम से रिलेटेड टोटल कम्प्लीटली 10 डायग्राम बनते हैं। अगर इन 10 डायग्राम को आप अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके कहीं भी जाने वाले नहीं है, अगर आपने इन 10 डायग्राम को अच्छे से समझ लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला डायग्राम, देखिए समझते हैं। नष्टर गायब हो गया, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। देखिए ये क्या है, इसको समझते हैं। वेन डायग्राम दर्शाते हैं हम मेनली यहाँ पे सर्कल से दर्शाते हैं, तो सर्कल से ही लेके चलते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है या कोई चीज हो, कोई लिविंग या नॉन लिविंग चीज हो, लड़का हो, लड़की हो, टेबल हो, मेज हो, कुर्सी हो, फर्नीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, एक इस तरह का डायग्राम हो। ठीक, एक और डायग्राम ले लेते हैं सेकेंड। ठीक, एक और ले लेते हैं। मेनली तीन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है। अगर तीन समझ लिया तो सारे चीज़ समझ में आ जाए। दो का है, तीन का है, चार का है, कोई इशू नहीं आएगी इसमें, मेनली तीन का ही होता है। तो इस तरह का ग्राफ देख के, पिक्चर देख के आपको क्या फील होता है? मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। यहाँ लिख लेते हैं वकील, यहाँ लिखते हैं इंजीनियर, ठीक। अब इन तीनों डायग्राम को देख के आपको क्या फील होता है? ये एक डॉक्टर का प्रोफेशन दर्शा रहा है, ये एक वकील का प्रोफेशन दर्शा रहा है, और ये एक इंजीनियर का प्रोफेशन दर्शा रहा है, लेकिन इनमें कोई इंटर रिलेशन नहीं है। क्यों? ये डॉक्टर हैं, ये वकील हैं, और ये इंजीनियर हैं, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल बॉडीज है, तो इसमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, अगर कोई क्वेश्चन में इन तीनों का एग्जाम्पल, सपोज इस तरह के कोई एग्जाम्पल आते हैं, तीनों का कोई लिंक नहीं होता था, इसका मतलब डायग्राम हमेशा इंडिपेंडेंट अलग अलग है, इस तरह के डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, अब ये पहला डायग्राम हो गया। अगर हम चलते हैं दूसरे डायग्राम पे, थोड़ा सा आप समझते हैं कि ये तो मान लीजिए अलग अलग हो गया, अगर थोड़ा सा रिलेट कर दें तीन डायग्राम को लेकर फिर से चलते हैं। जैसे हम मेनली डायग्राम को बनाते हैं इस तरह से, अगर एक डायग्राम ले लिया कोई ऐसा, फिर दूसरा इसमें कोरिलेट कर दिया, और तीसरा एक अलग कर दिया। इस तरह के डायग्राम देख के आपको देखने से लगता होगा ये एक अलग थलग पड़ा हुआ है, यानी एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन ये दो ऐसे बॉडीज हैं, दो ऐसे आइटम्स हैं जो आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लिख लें टीचर, चलिए कभी हिंदी कभी कभी इंग्लिश चलता रहेगा, टीचर हो गया, ठीक है। लड़की ले लेते हैं यहाँ पे, और एक और ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, क्या ले सकते हैं यहाँ पे जो इन तीनों से अलग हो सकता है? चलिए यहाँ पे ले लेते हैं बिल्ली, अपने आप को मत लीजिए, ये बिल्ली है,
आप लोग तो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक। अब इसको देख के क्या लगता है, मेनली देखिए यहाँ पे एक बिल्ली है, बिल्ली एक ऐसा जानवर हो गया, कोई भी जानवर हो गया बिल्ली ही है, अगर बिल्ली को इससे रिलेट कर सकते लड़की से, नहीं, क्यों, क्योंकि बिल्ली अलग है लड़की अलग है, लेकिन एक टीचर बीच में आ गया, टीचर और लड़की का एक रिलेशन बना गया, मतलब ये टीचर का ग्रुप है और ये एक लड़की का ग्रुप है। ये कॉमन का मतलब क्या हुआ, कॉमन का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो लड़की हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ये पूरे टीचर का ग्रुप है, ये एक लड़कियों का ग्रुप है और ये एक अलग अलग थक बिल्ली का बना हुआ, तो बिल्ली का ना इससे कोई लेना देना ना बिल्ली का कोई इससे लेना देना, इसीलिए अलग पड़ा हुआ। लेकिन अगर हमने इन दोनों के बीच में कोरिलेट कर दिया, ये जगह जो बच गई है, इसमें मतलब ये ऐसे लोग हैं जो जो टीचर होंगे और वो कौन होंगे, लड़कियां। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ, या हमारे ख्याल से आपको ये डायग्राम का मतलब समझ गया, समझ में आ गया। चलिए आप तीसरा डायग्राम देखते हैं, चलिए आप तीसरा डायग्राम देखते हैं। देखिए एक ये डायग्राम हुआ, ये वेन डायग्राम, डायग्राम बोलते हैं तो ये डायग्राम का मतलब इसी डायग्राम को रिप्रेजेंट करे। एक सेम ले लिया, बस थोड़ा सा इसको कट करते हुए, और तीसरा ले लिया थर्ड को कट करते हुए। इस डायग्राम को देख के आपको क्या फील होता है, तीन बॉडीज है, तीन आइटम है, तीन आइटम का मतलब ये हुआ तीन कोई आइटम है और तीनों में देखिए जो बीच बीच में एक कॉमन पोर्शन आ रहा है। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, ये मैंने क्या लिया हुआ है, जैसे ये ले लिया हुआ, जैसे हम एग्जांपल के रूप में ले लें, जैसे ये अगर सोचा जाए क्या ले लिया जाए, इसमें मान लीजिए कुत्ता ले लिया, कोई कोई जानवर ले लेते हैं, ठीक, कुत्ता ले लिया, और क्या ले सकते हैं बताइए आप लोग, पालतू ले लिया, और ये ले लेते हैं क्या लेते हैं, बिल्ली ले लेते हैं। अब इससे क्या आपको समझ में आया, पालतू से आपको सभी को पता है, पेट जो पेट एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग पालतू बोलते हैं, कुत्ता तो आपको सभी सभी लोग जानते होंगे, बिल्ली भी सभी जानते हैं, ठीक है, तो पालतू है। और ये देखिए यहाँ पे जो कॉमन है, एक कुत्ते का ग्रुप है, एक पालतू लोगों का, पालतू जानवरों का ग्रुप है और बिल्ली का ग्रुप है, बट यहाँ पे देखे जाए तो तीनों आपस में नहीं, ये पालतू ना इन दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब ये हुआ ये पालतू है, पालतू ग्रुप है और यहाँ कुत्ते ग्रुप है। इस कॉमन का मतलब हुआ कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो कि पालतू हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा, कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो कि पालतू है, और यहाँ पे देखने से लग रहा है कुछ बिल्लियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से दर्शाता है कि यहाँ पे पालतू है। तो पालतू ऐसा कॉमन पर्सन हो गया, कॉमन ग्रुप हो गया, जो पालतू ये दर्शाता है कि इस ग्रुप से रिलेट करके यहाँ पे कॉमन बन रहा है, इस ग्रुप से रिलेट करके बिल्ली से कॉमन बन रहा है। तो पालतू का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बना कि कुछ कुत्ते जो हैं यहाँ पे पालतू हैं और कुछ बिल्लियाँ जो हैं यहाँ पे पालतू हैं। बट यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कहीं भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे या काट नहीं रहे या कहीं भी ग्रुप नहीं बना रहे। इसका मतलब कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकती, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम में या रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे ग्राफ से समझेंगे, यहाँ पे मतलब कोई भी कुत्ता यहाँ पे बिल्ली नहीं है और कोई भी बिल्ली यहाँ पे कुत्ता नहीं है, इससे समझ गए। तीसरा ग्रुप का मतलब ये हुआ हमारा कि यहाँ पे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है और ये कॉमन रिलेशन है जो इन दोनों से रिलेट कर रहा है आपस में, ठीक है। इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अब हमारा चलता है एक और चलते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं, चौथा लेते हैं, ठीक है। नंबर आप देख रहे हैं, नंबर का कोई वो नहीं है, टोटली 10 हैं, बस इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। एक ये डायग्राम हो गया, एक ये डायग्राम हो गया। अब आप बार बार समझ जा रहे हो, जब भी मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ या कुछ कॉमन पोर्शन कवर कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें इनमें कॉमन होगी। थर्ड लेते हैं, थर्ड लास्ट टाइम मैं अलग लिया था बट इसी में मैंने कॉमन कर दिया तीनों में। अब आपको इसको देख के क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कोई ऐसे तीन आइटम्स हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन जरूर हो रही हैं। जैसे हम एग्जांपल में क्या ले लें, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर हो गया, कुछ और ले लेते हैं, फुटबॉलर ले लेते हैं, और क्या ले सकते हैं, हॉकी प्लेयर ले सकते हैं, ठीक, कोई भी चीज ले सकते हैं जो एक तीनों आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्रिकेटर का ग्रुप है, ये फुटबॉलर के ग्रुप है, ये हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स का ग्रुप है, ये क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स का ग्रुप है, ये फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स का ग्रुप है और ये हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स का ग्रुप है। लेकिन ये देखा जाए कि यहाँ पे मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ ये देखिए, ये ऐसा सेक्शन है,
ठीक, मैं इसको आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। जैसे ये सेक्शन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ में आपको देखने समझ में आ रहा होगा, ये जो सेक्शन है ना आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा होगा। लेकिन और भी देखा जाए, ये देखिए एक सेक्शन है, ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन किसके बीच में हो रहा है, क्रिकेटर और फुटबॉलर के बीच में, ये ब्लैक वाला नोटिस कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें, ये इन दोनों के बीच में ये पोर्शन कॉमन है। अब क्रिकेटर और हॉकी प्लेयर के बीच में देखा जाए तो ये पोर्शन कॉमन हो रहा है, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब फुटबॉलर और हॉकी प्लेयर में देखा जाए तो ये पोर्शन जो है यहाँ पे कॉमन हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। बट एक बीच का ऐसा पोर्शन है जो क्रिकेटर को भी कवर कर रहा है, फुटबॉलर को भी कवर कर रहा है और हॉकी प्लेयर को भी कवर कर रहा है। इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्रिकेटर है, फुटबॉलर है और हॉकी प्लेयर है, इन तीनों को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं और कुछ ऐसे फुटबॉलर हैं और कुछ ऐसे हॉकी प्लेयर हैं जो रेड वाला पोर्शन है, ये तीनों ऐसे सेक्शन में बिलोंग करते हैं कि कुछ क्रिकेटर, कुछ फुटबॉलर और कुछ हॉकी प्लेयर जो है कि तीनों खेलते हैं। क्रिकेटर जो है फुटबॉलर भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, और क्रिकेटर जो है हॉकी प्लेयर भी खेलता है, हॉकी प्लेयर जो है क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी प्लेयर जो है फुटबॉल खेलता है, मतलब आपस में तीनों रिलिंक है, एक भी कोई चीज़ सेक्शन की है, क्रिकेटर जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है, फुटबॉलर जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, और हॉकी जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। अब देखिए कॉमन में, इस पे कॉमन पे ध्यान दिया जाए तो कॉमन पे ध्यान देने पे क्या मतलब होता है, जो क्रिकेटर है और फुटबॉलर है इन तीनों में ये सिर्फ कॉमन, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ क्रिकेटर जो हैं वो फुटबॉलर भी हैं यानी फुटबॉल भी खेलते हैं, और कुछ फुटबॉलर जो हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं। इस वाले पोर्शन अगर यहाँ पर कुछ भी आता है क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन है। ये वेन डायग्राम समझाएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन डायग्राम, जितने मैं डायग्राम अभी बताने जा रहा हूँ, जितना बता चुका हूँ, जितना बताऊंगा, वो क्वेश्चन में डायग्राम एज इट इज आएंगे, तो उसको आपको पकड़ना है कि कॉमन का पोर्शन का मतलब क्या होता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक। तो इस पोर्शन का मतलब समझ गए, क्रिकेटर फुटबॉल का कॉमन है, ये यहाँ पे ऐसे प्लेयरों का ग्रुप है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ये ऐसे प्लेयर का ग्रुप है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, और ये ऐसे प्लेयर का ग्रुप है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, और ये वाला सेक्शन जो रेड वाला, ये ऐसा प्लेयर्स का ग्रुप है जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों खेलते हैं। मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम के ऊपर, ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, नेक्स्ट है आई थिंक हमारा पांचवा होना चाहिए, तो अब देखिए पांचवे डायग्राम के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो पांचवा डायग्राम क्या कहता है, इतने सारे डायग्राम समझने के बाद एक डायग्राम और देखिए, नेक्स्ट वाला, ये एक डायग्राम है, ठीक है, और एक डायग्राम और ले लेते हैं, ठीक, और एक डायग्राम इसके अंदर ले लेते हैं। इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि एक डायग्राम है, उसको एक अंदर डायग्राम है, एक अलग थलग पड़ा हुआ डायग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको दर्शाएं, एग्जांपल क्या लेते हैं, आप लोगों को भी कुछ आइडिया दीजिए, चलिए ठीक है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ पक्षी, ठीक, और इसके अंदर, इसका मतलब ये बाहर का जो लेयर वाला डायग्राम, जो सबसे बाहरी वाला डायग्राम, उसके वो पक्षी को दर्शाता है ग्रुप, और ये ले लेते हैं हम कौवा। आप बताइए इसमें क्या लेना है, चाहे कुत्ता ले लें चाहे बिल्ली ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला, चलिए हमारा पेट डॉग कुत्ता है तो कुत्ता ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के कैसा लग रहा है, देखिए बाहर और देखने से ये लगता होगा ये एक ग्रुप है जो कि पक्षियों का ग्रुप है, उसके अंदर एक ग्रुप है जो कि कौवा का ग्रुप है। अब पक्षियों का ग्रुप में कोई भी पक्षी आ सकता है, लेकिन हमने मेनली एक ही पक्षी का लिया ग्रुप जो कि कौवा को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख के मतलब एक अलग से पड़ा हुआ है, एक कुत्ते का ग्रुप है, तो इसको देख के ये लगता है जैसे ये ग्रुप जो है पक्षी का है और उसी के अंदर एक कौवे का ग्रुप है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कौवा एक ऐसा एनिमल है, जानवर है, बर्ड्स है जो आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन हम किस में कंसिडर करते हैं, पक्षी में, यानी कौवा एक जो है बर्ड है वो किस में कंसिडर, किसका ग्रुप है, पक्षियों के ग्रुप में ही कौवा हमारा आता है, इसीलिए मैंने इसको अंदर ले लिया, इसीलिए हम लोगों ने इसको अंदर ले लिया, क्यों कि ये जो पूरा पक्षियों का ग्रुप है उसी ग्रुप में कहीं ना कहीं कौवा भी लाइक करता होगा। मेरी बात को आप लोग अच्छे समझ रहे हो, कौवा मतलब पक्षी है, बस स्पेसिफिक पक्षी है, उसका नाम लिखा हुआ, ये पक्षियों का ग्रुप है, यानी सारे पक्षियों के ग्रुप में कहीं ना कहीं कौवा लाइक करता होगा, इसलिए कौवा कहाँ आ गया, इस पक्षियों के ग्रुप में आ गया, इसीलिए हमने इसको इस डायग्राम के अंदर रखा हुआ। बट इसको देखें, कुत्ता,
कुत्ता न कि कौआ है न कि कोई और जानवर, ये एक देखा जाए कौआ है, कुत्ता है, कुत्ता है। अब कुत्ता को हम पक्षी से कभी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ता क्या है, जानवर है, बट वो पक्षी नहीं है। तो पक्षी नहीं है तो इसमें कहीं भी देखिए कॉमन पोर्शन नहीं है, क्योंकि सारे कुत्ते अलग हैं और सारे कौए पक्षी में आते हैं, जिसको कौआ हमने अंदर रख दिया, कुत्ता एकदम अलग आता है, तो कुत्ता हमने इसको अलग रख दिया। इसको देखने से आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। अब जैसे हमने सेम डायग्राम बनाया हुआ था, उसी तरह का एक डायग्राम और बनाते हैं। एक ये डायग्राम हो गया, एक ये डायग्राम हो गया, और तीसरा डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। अब इस तरह का जब भी कटिंग होती है, इंटरसेक्ट करता होगा, आप समझ जाना कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन है। तो कॉमन है तो कोई एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए, फॉर्म किया जाए कि इन तीनों में इस तरह का रिलेशन फॉर्म हो। तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बताइए कुछ। चलिए ठीक है, इसको ले लेते हैं पुरुष, दैट इज मेल, ठीक है, ये पुरुष का हो गया। इसको ले लेते हैं पिता, यानी कि फादर। एक और ले लेते हैं इसको, इसको क्या लिया जा सकता है, ले लेते हैं चलिए छात्र ले लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट। अब देखिए एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये फिगर, या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये जो बड़ा वाला ग्रुप है, ठीक, ये किसका ग्रुप है, पुरुषों का। ये बड़ा वाला जो आकृति है, डायग्राम है, वो किसको दर्शा रहा है, हमारे पुरुषों को। और उसके अंदर देखिए एक डायग्राम दिखा रहा है, वो किसको दर्शा रहा है, पिता को, यानी कि फादर को। एक तीसरा डायग्राम देखिए जो कि छात्र है, जो किसको दिखा रहा है, स्टूडेंट्स यानी छात्र को दिखा रहा है। तो हमारा इस डायग्राम बता क्या रहा है, मतलब इसको देख के समझ क्या रहा है, मतलब ये एक ग्रुप है पुरुषों का, अंदर देखिए एक पिता का और एक हो गया छात्र का। जो पिता का ग्रुप है वो देखिए पुरुषों के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो फादर हैं टोटली क्या होते हैं, मेल होते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि मेल होते ही हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, पिता को हमने इस पुरुष के अंदर रखा। अगर यही माता होती तो ये ग्रुप के अंदर आ सकता था, पॉसिबल ही नहीं, क्यों कि ये ग्रुप क्या है, मेल का ग्रुप है। मेल के अंदर कोई मेल ही आ सकता है, जैसे फादर हो गया, ब्रदर हो गया, भाई हो गया, चाचा हो गए, ठीक है, इस तरह से मेल पर्सन ही आ सकता। तो पिता का ग्रुप था जिसको हमने अंदर रख दिया, माता का होता कहीं अलग पड़ा होता, बट यहाँ पिता है, इसका मतलब समझ गया कि सारे पुरुष जो हैं, सारे जो पिता हैं वो पुरुष वाले ग्रुप के अंदर ही आते हैं। अब देखिए ये छात्र हैं बट ये पुरुष के मेल, पुरुष वाले में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक छात्र का ग्रुप है, और ये देखिए यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है। और देखिए यही तक है, इसको टच नहीं कर रहा, फादर को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कुछ छात्र जो हैं वो मेल वाले में लाइक कर रहे हैं, और कुछ मेल जो हैं वो स्टूडेंट वाले में लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कुछ जो पुरुष है वो छात्र है, और कुछ जो छात्र है वो पुरुष है। इसका मतलब क्या है, कुछ मेल जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट जो है मेल है, ये कॉमन का मतलब ये हुआ। क्यों पूरे क्यों नहीं है, छात्र में तो हमारी गर्ल्स भी आती हैं और बॉयज भी आते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ कंसीडर किसको कर रहे हैं, मेल वाले सेक्शन में कवर कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो हिस्सा है सिर्फ बॉयज़ के लिए अलाउ कर रहा है, यहाँ पे गर्ल्स होने की वजह से पूरा अंदर नहीं गया। ये हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पिता टोटल मेल पर्सन होता है, इसलिए पूरा ग्रुप में अंदर आ गया। इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये सारे छात्र जो है ना फादर नहीं होते, इसलिए हमने इसमें इसको अंदर नहीं किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीसरा जब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और इसको देख के आपको समझ में आ गया कि ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। देखिए ये एक डायग्राम लेते हैं, ठीक, एक डायग्राम और होते हैं बट ये इसके अंदर ही लेते हैं, सेम पिछले वाले की तरह। एक डायग्राम और लेते हैं बट ये दोनों को कॉमन करते हुए लेते हैं, ठीक है। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, एक डायग्राम का ग्रुप है जिसके अंदर एक दूसरा डायग्राम है, एक तीसरा डायग्राम है जो दोनों को कॉमन में काट रहा है, थोड़ा सा बाहर भी है। एग्जांपल ग्रुप में समझते हैं, जैसे हम समझ रहे हैं इसको अगर हम ले लें, क्या ले सकते हैं बताइए, इसको ले लेते हैं महिला। चलिए पिछली बार पुरुष लेते, इस बार महिला ले लेते हैं, यानी कि फीमेल, ठीक।
और इसको ले, पिछली बार फादर लेते हैं तो इस बार क्या आते हैं, मदर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि माँ। और एक और बताइए, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बताइए। चलिए, पिछली बार छात्र लिए थे, इस बार कुछ प्रोफेशन ले लेते हैं, यानी कि क्या ले लें, डॉक्टर ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, इसको देख के क्या लगता है, ये एक ऐसा बड़ा वाला ध्यान दीजिए, सबसे बाहर वाला, ये एक ऐसा ग्रुप है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को, यानी कि महिला को, ठीक है। और उसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा ग्रुप मतलब उसके अंदर लाई करता है, तो किसका ग्रुप है वो, मदर का, यानी कि वो भी देखा जाए क्यों लाई कर रहा है, कि मदर भी फीमेल ही होती है, इसीलिए फीमेल के ग्रुप के अंदर ही आ रही है मदर। अब तीसरा देखा जाए डॉक्टर, डॉक्टर देखा जाए, डॉक्टर किस किस को कॉमन कर रहा है, ये डॉक्टर कैरेक्टर है, तो डॉक्टर देखा जाए एक यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी इस वाले को, मदर वाले पोर्शन को कॉमन कर रहा है, बट देखा जाए इसको आने के लिए बाहर वाले लेयर को भी कट कर रहा है, यानी कि फीमेल को भी कट कर रहा है, यानी कि एक देखा जाए तो एक यहाँ पे एक और बन रही है कॉमन पोर्शन, ये चीज, यानी पूरा में कंसिडर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मतलब ये महिलाओं का ग्रुप है जो कि पूरी की पूरी फीमेल होती है, इसलिए हमने फीमेल के ग्रुप में रखा उसको। और तीसरा देखा जाए डॉक्टर, अब डॉक्टर के ग्रुप में ध्यान दिया जाए, डॉक्टर देखे होंगे आप, देखे होंगे फीमेल डॉक्टर होती है, मेल डॉक्टर होती है, इसीलिए क्या होता है, हमने यहाँ पे डॉक्टर लिया। डॉक्टर लेने का मतलब, अब देखिए ये डॉक्टर इस ग्रुप को कॉमन कहाँ कहाँ काटता है, पहले वाला ग्रुप को कॉमन किया यानी महिला वाले को, इससे ये साबित क्लियर हो गया, ये वाला ग्रुप ये क्लियर है कि ये जो डॉक्टर हैं ये क्या है, फीमेल है, यानी कि फीमेल डॉक्टर का ग्रुप है ये वाला इतना हिस्सा, ये जो अंदर कॉमन है। बट एक ये देखा जाए, ध्यान देखिएगा, ये एक ऐसे डॉक्टर का ग्रुप है जो कि क्या है, माँ भी है, मतलब माँ भी है वो डॉक्टर, और फीमेल तो ऑब्वियस सी बात है, फीमेल तो होंगी ही होंगी, मतलब ये डॉक्टर का ग्रुप जो है ये डॉक्टर है लेकिन क्या है, माँ नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा बाहर हिस्सा जो रेड वाला दिखाया, प्योर रेड है, वो डॉक्टर है बट वो टोटली फीमेल है। और इधर देखिए, ये जो डॉक्टर का ग्रुप बन रहा है, यानी बीच का जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो डॉक्टर तो है बट क्या है, फीमेल डॉक्टर है, और वो क्या है, डॉक्टर माँ है। इस ग्राफ को समझ के देख के आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये ग्राफ कहना क्या जा रहा है, अच्छे से समझ, अगर ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ग्राफ आपको अच्छे से नहीं समझ रहा, मैं अभी लास्ट टाइम जब वीडियो फिनिश करूंगा तो मैं आपको सीरियल वाइज दे दूंगा, उसमें सीरियल वाइज टिक करके कमेंट करिएगा कि कौन सा आपको ग्राफ, कौन सा आपका वेन डायग्राम का ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं हो, तो मैं उसको अलग से फिर से आपको समझाऊंगा। मेरे ख्याल से इतना मेहनत आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि आसान टॉपिक है, पहले से भी आप लोग जानते हैं, तो इसलिए आपको टोटली क्लियर हो भी रहा होगा, ठीक है, इसको समझ गए आपको। अब चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। अब देखिए, चलिए अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल में, अब फिनिश होने वाला है पूरा वेन डायग्राम का। चलिए आज थोड़ा काला कर देते हैं, काला नहीं यार, काला नहीं हो जाएगा, नीला लेते हैं। अब देखिए एक डायग्राम लेते हैं ये, ठीक, एक और डायग्राम इसी के अंदर ले लेते हैं। सारी डायग्राम की पॉसिबिलिटीज आप देखिएगा, लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद देखेंगे ना, जितने भी डायग्राम मैंने बताए उन डायग्राम के अलावा आप एक्स्ट्रा कोई भी डायग्राम बना नहीं पाएंगे। आप बना के अगर बन जाए तो आप कमेंट करके जरूर भेजिएगा, मुझे दिखाइएगा कि इसके अलावा भी कोई डायग्राम होता है कि नहीं होता है वेन डायग्राम का, ठीक है। आइए, हो गया थर्ड वाला इसी के अंदर, ये नेक्स्ट वाला है। अब इस डायग्राम को देख के क्या आपको समझ में आता है, एक ग्रुप है जिसके अंदर एक और ग्रुप है, जिसके अंदर एक और ग्रुप है। अब देखिए ग्रुप, जैसे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग इसको, अगर हम इस वाले बड़े वाले को ग्रुप को क्या बोल सकते हैं हम, क्या ले लें, चलिए आपको अच्छे से समझने के लिए सबसे सिंपल वाला लेते हैं, इसको हम कर देते हैं देश, जैसे हम इंडिया की ही बात कर लें, हमारा देश इंडिया, ठीक। अब देश आ गया, उसके बाद ये वाले ग्रुप को क्या कर लें, राज्य, ठीक है। अब इस छोटे वाले कर लेते हैं जिला, ये इसलिए एग्जांपल लिया कि इजीली सभी को समझ में आएगा, हमारे देश जैसे हो गया इंडिया। अब देखिए उसके अंदर एक छोटा सा और है, वो किसका ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, राज्य को, यानी देश हो गया, ये राज्य हो गया, वो जिला हो गया। इसको देख के क्या लग रहा है कि कोई एक कंट्री है उसके अंदर राज्य है और उस राज्य के अंदर जिला, ये तो सबसे आसान है, इजीली समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा है जो सबको अंदर समेटे हुए है, यानी मान लीजिए अगर देखा जाए तो मान लीजिए इंडिया हो गया एग्जाम्पल में, अगर राज्य में कोई भी राज्य ले लीजिए, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश, अभी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, यूपी ले लेते हैं, और यूपी में जिला क्या ले लेते हैं, जहाँ भाई प्यार संबंध होता है, प्यार मोहब्बत रहता है, हमारे भाईचारा रहता है, चलिए संगम की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रयागराज, ठीक।
इसका देख के क्या मतलब होता है, एक जो हमारा जिला है प्रयागराज, जैसे जिसका पुराना नाम हमारा इलाहाबाद था, वो प्रयागराज हमारे किस राज्य में है, यूपी में, और यूपी कहाँ है, हमारे देश यानी इंडिया में। इस ग्राफ को देख के पूरी टोटली समझ में, इससे ये एग्जांपल है, इस तरह के एग्जांपल कोई भी नाम हो सकते हैं, आपको क्लियर समझने के लिए एग्जांपल लिया है, किसी तरह होगा तो क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे उसको, ये देख के आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, एक दूसरे के अंदर लाइज करते हुए। अब देखिए, अगर इसको मैं बाहर ले लूँ, अब ये जिला यहाँ नहीं आ सकता है, अब इस जिला इंडिया के अंदर ही है, बट वो इंडिया किसी राज्य के अंदर है, तो अंदर के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं उस चीज़ को। इसको देख के हमारे ख्याल से ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब ज़्यादा नहीं, बस अब दो आई थिंक दो बचे हमारे ख्याल से, आठ हो चुके हैं, दो और बचे हैं, उसको भी देख लेते फटाफट दो। चलिए, कौन से बचे हैं, चलिए बचा होगा, ये हो गया। अब हम ग्रुप फटाफट बनाते जा रहे हो, तो आपको फटाफट समझ में आता जा रहा होगा कि क्या हो रहा है। एक ग्रुप है किसी वस्तु, किसी आइटम, किसी चीज़ का, मतलब आइटम का ग्रुप है, उसमें किसी और, उसके अंदर कोई और आइटम है, इसके अंदर एक और आइटम है। अब इस ग्राफ को देख के एक चीज़ समझिए, ये ग्रुप तो है, बट एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या, पहले थोड़ा समझ लेते, इसको देख के बिना एग्जाम्पल के समझिए क्या है। एक ग्रुप है, उसने इन दोनों को अंदर समेट के रखा हुआ है, यानी ये दोनों चीज़ जो हैं, जो भी आइटम हैं, इन दोनों को सीधा सीधा संबंध इस ग्रुप से है, लेकिन देखिए आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इन दोनों आइटम के आपस में कोई रिलेशन नहीं, इन दोनों आपस में कॉमन नहीं है, बट ये जो भी दो चीज़ होंगे ये तीसरे के अंदर ही है, बड़े वाले के अंदर ही। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर सभी समझते हैं, ठीक, एक यहां पर ले लेते हैं एग्जांपल इस वाले ग्रुप के लिए, कुर्सी, ठीक, और एक मेज यानी कि चेयर और टेबल। अब इसको देख के आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से समझ गए होंगे ग्रुप कह रहा क्या रहा है, यानी एक फर्नीचर का ग्रुप है जिसके अंदर कुछ कुर्सियां हैं, सारी कुर्सियां फर्नीचर भी होती हैं तो सारी कुर्सियां इसी में आ गई, सारे मेज फर्नीचर भी होते हैं तो सारे मेज इसी के अंदर आ गए, बट ये देखिए कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई भी कुर्सी ना ही मेज है और ना ही कोई मेज कुर्सी है, इसको देख के क्लियर समझ में आ रहा है, बट सारी कुर्सियां और सारे मेज क्या है, फर्नीचर है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से आपको, इसमें कुछ भी नहीं बताने लायक है। इस तरह का कहीं ग्रुप हो गया, समझ जाइए इस तरह का कहीं रिलेशन होगा तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये वाला बनेगा। चलिए एक और बचा हुआ, उसको भी देख लेते फटाफट, फिर देखते हैं आगे। अब चलिए देखिए, एक और बचा है लास्ट, वो भी फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे एक और ग्रुप ले लेते हैं, उसमें अंदर एक और ग्रुप ले लेते हैं, इस बार थोड़ा अलग करते हैं ग्रुप, एक ही बचा हुआ जो कि यही ग्राफ बचा हुआ है डायग्राम। अब देखिए इसको देख के आपको क्या लग रहा है, एक बड़ा सा ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप मतलब एक ग्रुप है, उसके अंदर दो ग्रुप हैं, बट दो ग्रुप होने के बावजूद भी इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप भी आपस में कोरिलेट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जांपल बताइए कुछ, आप लोग भी आइडिया दिया करिए कमेंट में, आप लोग भी एग्जांपल दिया करिए, कोई इशू नहीं है उस चीज़ को लेकर। अब चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल में, इसको ले लेते हैं क्या, जानवर हो गया, और इसको क्या ले लेते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, ये पालतू, और एक हो गया कुछ भी ले लें, कुत्ता ले लें, बिल्ली ले लें, जो भी जंगली जानवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस एग्जांपल को देख के आप समझ सकते हैं, ये हमारा जो डायग्राम है बड़ा वाला, जो बाहर वाला ग्रह, वो जानवरों का ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे जानवरों का ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है देखिए पालतू का ग्रुप है, पालतू मतलब देख के ही लगता है कि पालतू किसी जानवर की बात करें, पालतू के, और ये कुत्ता है जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखिए पालतू हो चाहे जंगली हो चाहे कुछ भी हो, वो होते सारे जानवर ही हैं, इसीलिए बड़े वाले ग्रुप के अंदर हम दोनों को रखे हैं। ठीक, इस तरह का अगर डायग्राम मिलता है तो समझिए यही कहना चाह रहा है कि जो अंदर दोनों ग्रुप हैं वो दोनों डायरेक्टली किससे रिलेट हैं, बड़े वाले से, बाहर वाले से, यानी इसमें क्या है, एक पालतू है, पालतू जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी भी लोग पालते हैं, घोड़ा भी पालते हैं, वो क्या हो गया, पालतू में आ गया, बट यहाँ पे क्या है, जंगली हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, जो भी हो, यहाँ पे एक जानवर भी लिख लिया, तो ये दोनों हैं तो डायरेक्टली जानवर ही है, इसको देख के आप समझ गए, बट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, यानी कि पालतू और कुत्ता के बीच में, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे
जानवर हैं, यानी कुत्ता जो है, कुत्ता जो है, कुछ कुत्ते, देखिए सारे कुत्ते तो नहीं, क्योंकि सारे में इतना जो डायग्राम का बाहर का हिस्सा ये बाहर हो गया, कॉमन तो बस इतना ही हो रहा है, यानी इतने वाले कुत्ते जो हैं, इतने कुत्ते जो हैं, कुत्ता जो है वो क्या है, पालतू हैं। बाकी बच्चे कुत्ते, पूरे कुत्ते पालतू नहीं है, देखे होंगे कि स्ट्रीट डॉग भी होते हैं जो पालते लोग नहीं है, या जंगली कुत्ते भी होते हैं जो पालते नहीं है, कुछ कुत्ते पालतू भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुत्ते जो है इस डायग्राम के हिसाब से जो है कि पालतू हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो है तो जानवर। इसीलिए ये डायग्राम जो फाइनल लास्ट वाला था, देखा जाए तो इसमें यह क्या है, जानवरों का ग्रुप है, ये पालतू का ग्रुप है, ये कुत्ता का ग्रुप है, बट ये कॉमन जो होता है, यहाँ पर कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो कि पालतू हैं। ठीक है, आई थिंक ये पूरे जो भी है टोटल नंबर ऑफ डायग्राम हमारे ख्याल से पूरे 10 के 10 ही हैं। अगर आपको 10 के अलावा एक भी 11 मिल जाता है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं भी तो देखूं कि 11वां कौन सा आप लोग बना के निकालते हैं इसको। और इस वीडियो को हमारे ख्याल से यहीं रहने देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और इन डायग्राम का अगर आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जाएगा वेन डायग्राम का टाइप वन में। एक नंबर देखिए, हाँ एक चीज बताना भूल गया, एक होता टाइप वन, एक होता टाइप टू। टाइप वन में आपको कवर हो गया, क्वेश्चन दिए होंगे, जितने भी हमने आर एक डायग्राम बनाया वो आपके ऑप्शन होंगे, इसी तरह दे देगा, जैसे आपको दे देगा कुत्ता पालतू और जानवर, इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको एक डायग्राम दे देगा, कुछ डायग्राम देगा, जैसे ऐसे दे देगा, ठीक है, कुछ ऐसे दे देगा, ठीक, कुछ ऐसे दे देगा, इस तरह के आपको ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इस तरह का रिलेशन, यानी कि कुत्ता पालतू और जानवर के बीच में कौन सा ऐसा है? मतलब 1, 2, ये ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 4, इन सभी ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, ये टाइप वन का क्वेश्चन। तो आप देख के समझ सकते हैं कि जानवर का ग्रुप होगा, क्योंकि कुत्ता और पालतू दोनों जानवर के ग्रुप में आ गए, बट अब देखना है कोई ऐसा आइडेंटिफाई करेगा जो एक इन दोनों के अंदर लाइक करेगा। ये तीनों अलग हो गए, कैंसिल आउट हो गया। इसको देखेंगे सारे जो पालतू है कुत्ता सारे जानवर के अंदर आते हैं, तो ये देखें इसमें से कॉमन चीज़ है, टोटली अंदर लाइन कर रही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार चेक करते हैं। अगर इसको हम जानवर कंसीडर करें बहुत अच्छी बात है, हो सकता है अगर इसको पालतू कर लेते, सेकेंड वाले को पालतू करते हैं, चलो यह भी ठीक है, लास्ट वाले हम कुत्ता को अगर फिट करते हैं तो सारे कुत्ते तो पालतू नहीं होते ना, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल होगा। अब ये देखा जाए जो अभी लास्ट वाला डायग्राम हमने देखा, इस एग्जांपल के थ्रू ये वाला क्वेश्चन सही होगा, ये टाइप वन हो गया। अब टाइप टू में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, उसमें भी अलग तरह का डायग्राम होता है, उसको भी क्वेश्चन करेंगे। और टाइप वन और टाइप का टोटल क्वेश्चन, टोटल रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, एक भी डाउट क्लियर, आपको डाउट भी कोई भी डाउट आपको रह नहीं जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो टोटली अगर अच्छा लगा, ठीक है, थोड़ा सा भी समझ में आया आई थिंक, तो आप इसको इनकरेज करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।